हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाया है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये बात आपको बेखूबी पता होगा, लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा क्या अभी बाइंग का मौका देखने को मिल रहा है या फिर सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर मैं बात करूँ, स्टॉक आज के दिन 0.41% की हल्की गिरावट देखने को मिल रहा है, 75 रुपये के आसपास ये ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और हालांकि अगर मैं बात करूँगा तो पिछले 5 दिनों के भीतर आप देख सकते हैं 3.42% की अच्छी खासी बढ़िया तेजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 महीने की मैं बात करूंगा तो 1 महीने में ना ही कोई उतनी बड़ी तेजी, ना ही कोई उतनी बड़ी गिरावट, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक जो है बहुत ही ओड इवन तरीके से ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और हालांकि मैं बात करूंगा पिछले 6 महीने का, तो 6 महीने में आप देख सकते हैं 61 रुपये के आसपास का लो बनाया था, और इसकी जो तेजी में बात करूंगा तो बढ़िया तेजी है, 18% के आसपास की तेजी है और बहुत ही ओड इवन तरीके से ये ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। 64 रुपये का लो बनाया था पहले, देखिए जब स्टार्ट हुआ था 6 महीने पहले 63 रुपये पे था, फिर हाई बनाया 72 रुपये के आसपास गया, फिर यहाँ पे लो बनाया 61 के आसपास गया और फिर ऊपर 71 के आसपास गया, फिर नीचे आया 64 के आसपास और फिर अच्छी खासी लंबी हाई बनाया 78 रुपीज का। तो ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंपनी ने अच्छी खासी तेजी बनाई थी। और हालांकि इस तेजी के बारे में भी हम बात करेंगे, पूरे 2024 में आने के इस साल का बात करेंगे तो केवल 2024 में 6 से 7 महीने के भीतर 20 से 21% के आसपास का रिटर्न जो है ये स्टॉक दे चुका है। और पिछले अगर मैं बात करूंगा पिछले 5 साल की, तो गाइस देखिए पिछले 5 साल में भी अच्छी खासा रिटर्न बनाकर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए तो स्टॉक में एक्चुअली अगर मैं बात करूंगा तो पिछले 1 साल का चार्ट देखने से पता चलता है 28 से 30% के आसपास की तेजी है। तो देखिए स्टॉक जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और कंपनी का काम क्या है, ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना के बेचती है। इनके क्लाइंट्स के बारे में जानेंगे और फंडामेंटल देखेंगे और हमें एक आइडिया बनाएंगे क्या अभी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की ओर देखा जा सकता है या फिर जो भी इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडिंग के मौके भी देखना चाहते हैं उनको भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो से। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम्स की, तो अच्छी खासी वॉल्यूम्स में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, 33 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखा है स्टॉक में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हालांकि मैं बात करूंगा 2022 में ये जो कंपनी थी वो डीमर्ज हुई थी अपनी दूसरी जो इनके पेरेंट कंपनी है समर्थना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड से, और हालांकि वहां के बाद ये जो कंपनी है वो इसने 2022 में भी डिविडेंड दिया, बोनसेस दिया, और उसके बाद अभी का जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड है वो पूरा का पूरा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और 1 साल के भीतर अगर मैं 30% रिटर्न की बात करूंगा तो गाइस ये जो रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा है और अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। जहां तक मैं मुझे अभी तक जो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर की मैं बात करूंगा तो अच्छी खासी वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन है और यहाँ पे एक टारगेट भी आपको देखने को मिल रहा है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का और एक एमकेए ग्लोबल, दोनों का जो टारगेट है वो 80 रुपये का टारगेट है और ये टारगेट हमें देखता है बहुत ही जल्दी अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% जो बाइंग का रिकमेंडेशन है और 0% सेल करने की और मात्र 0% आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहा है। हमारी क्या राय है वो वीडियो के अंत में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ डिसीजंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। देखिए मोतीलाल ओसवाल की मैं बात करूँ या फिर और भी बाकी ब्रोकर्स की बात करूँ तो उनका रेगुलर यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन रहा है और अच्छे खासे लेवल में टारगेट भी दिया, लेकिन हालांकि इनका जो टारगेट होता है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का होता है। अगर मैं किसी भी प्रकार का टारगेट की बात करता हूँ या फिर रिसर्च एनालिसिस की बात करता हूँ तो वो जो होते हैं वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर आने के एक फिजिकल ईयर के होते हैं, वो कुछ दिन में नहीं होते। हालांकि शेयर प्राइस वो टारगेट को कुछ दिन में अचीव कर लेता है वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन के साथ तो वो जो चीज़ है वो 1 साल का ही होता है। बोर्ड मीटिंग में बात करूंगा तो 5 अगस्त को इनका Q1 का रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आएगा गाइस डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट का बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिविडेंड की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में 0.85 पैसे का और यहाँ पे 9 अगस्त 2023 को 0.65 पैसे का। तो हालांकि यहाँ पे देखिए दो कंपनियों के बारे में मैंने बात करा था, तो ये जो दोनों कंपनियां थी 1.5 रुपये का डिविडेंड देती थी, पिछले बार कंपनी जो था 2022 में 0.85 पैसे का डिविडेंड दी थी और दूसरी कंपनी 0.65 पैसे का, और दोनों को मिलाकर के 1.5 पैसे के आसपास का डिविडेंड मिला था। अगर इस साल 2023 की मैं बात करूंगा तो 2023 में भी
यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी 0.65% देगी, दी थी, और दूसरी कंपनी 0.85% पैसे, और दोनों को मिलाकर के 1.5 रुपए के आसपास हो गए। देखिए शेयर प्राइस के अनुसार ये डिविडेंड तो चिल्लर भर का ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जब जब यहाँ पे तेजी आती है स्टॉक में बोनसेस देखने को मिलता है। 2:5 रेशियो का बोनसेस यहाँ पे मिला है आपको 2022 में, जब कंपनी डीमर्ज हुई थी अपनी दूसरी कंपनी के साथ, और इनके जो दूसरी कंपनी थी समर्थना मदरसन इंटरनेशनल, उसने भी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया था। तो गाइस डिविडेंड बोनसेस के बारे में अगर बात करूँ तो जब भी स्टॉक मुझे लगता है अगर ये 80 या 90 से ऊपर जाता है 100 रुपए के आसपास, तो आपको डिविडेंड देते हुए बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई देगा। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूंगा, फाइनेंशियल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रो के एनालिस्ट की माने तो 70% जो कह रहे हैं आपको, वो कह रहे भैया बेच खरीदो बाय करो, और जो होल्ड करने की आपको राय दे रहे वो 10% राय दे रहे, और 20% कह रहे बेचो और भाग जाओ। 10 लोगों का इनका एक एनालिसिस होता है, जिसमें से कहेंगे तो 7 लोग कह रहे हैं बाय करो, और इसमें से 1 लोग कह रहा है होल्ड करो, और 2 लोग कह रहे हैं सेल करो। तो अच्छी खासी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे 31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप तो नहीं कह सकते, मतलब ये मिड कैप की कंपनी के अंतर्गत ये आएगी। फाइनेंशियल्स देखेंगे कंपनी ने क्या पैसा बना हुआ है यहाँ पे, तो मार्च 2023 की बात करेंगे क्योंकि अभी तो जून का रिजल्ट आया नहीं है। 1870 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और अभी 2237 करोड़ का रेवेन्यू रहा है मार्च 2024 में। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूंगा 138 करोड़ का इनका प्रॉफिट था एक साल पहले, और अभी 191 करोड़ का प्रॉफिट है। 10-20% ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और शेयर प्राइस में भी तेजी उसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं फंडामेंटली गाइस काफी ज्यादा स्ट्रांग ये कंपनी है। पिछले क्वार्टर में भी देखा जाए 168 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले क्वार्टर से लगातार ये बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। कहीं एक क्वार्टर में प्रॉफिट एक क्वार्टर में लॉस वाला सीन नहीं है यहाँ पे। आप अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रोथ वाले कंपनियों में अगर आप लॉन्ग टर्म से पैसा बनाते हैं तो आपका जो रिस्क का कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाता है, और रिवॉर्ड का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पे मैं बात करूँगा शेयर पैटर्न होल्डिंग की, लेकिन उससे पहले जो कंपनी में वैल्यूएशन चल रहा है, पी रेशियो की बात करेंगे तो 52 रुपये के आसपास का पी रेशियो, और सेक्टर पी 54 रुपये के आसपास का यहाँ पी रेशियो है। तो अभी जो स्टॉक महंगा नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर 5-10 रुपये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है वो महंगा होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे टिकर टाइप के एनालिस्ट की बात करूँ तो 92% जो एनालिस्ट है वो बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और हालांकि बात करूंगा कि जैसे ही यहाँ पे 100% ही था, बट जो यहाँ पे पी रेशियो का जो लेवल है वो बढ़ गया, इस वजह से जो एनालिस्ट अपनी राय जो है यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिया है। होल्डिंग की मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हैं 61.73% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 14.08% है, डोमेस्टिक का भी यहाँ पे 2.15% पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10.78% के आसपास पे है। रिटेल अदर की बात करूंगा तो रिटेल इन्वेस्टर 7.99 और अदर पार्टी 3.28% की एक स्ट्रांग होल्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। सो गाइस यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो यहाँ पे क्वालिटी एनालिसिस है, QII है, बड़े बड़े फंड हाउसेस है, उनका भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इस होल्डिंग से हम कहेंगे कंपनी में दमखम काफी ज्यादा बचा हुआ है। फ्रेश बाइंग की जहां तक मैं बात करूंगा तो गाइस अभी यहां पे आप देखो ये स्टॉक देखिए बहुत बार ऑड इवन तरीके से ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने की मैं बात करूंगा तो ये 60 रुपए के आसपास भी आते हुए दिखाई देगा आपको, और पिछले 6 महीने बात करेंगे तो 64-65 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। 70 रुपए से नीचे स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली आप फ्रेश बाइंग के लिए भी आप जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूंगा अगर आप करंट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का सारा पैसा इसमें ऐड ना करें, 2-3%, 5%, 10% के आसपास अभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी आपको इसमें मौका मिलेगा। जो भी लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं आप बाय कर लीजिए, ताकि ये जो स्टॉक में काफी ज्यादा पोटेंशियल होने वाला है। वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप रोटेडा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।